तो आज हम बनाएंगे चिकन काली मिर्च, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर वालों या अपने गेस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हो तो रेसिपी के अंत तक बने रहें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ब्लैक पेपर कॉर्न्स ले लिए हैं पैन में। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे लो फ्लेम पर, और इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। एक बोल में हमने चिकन ले लिया है, इसमें हम फेटा हुआ दही ऐड कर लेंगे 200 ग्राम। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से, और इसको हम 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में हमने 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर लिया है। इसमें हमने साबुत मसाले ऐड कर लिए हैं, इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे। 1 इंच टुकड़ा अदरक का ऐड कर लिया मैंने 2 से 3। मैंने हरी मिर्च ऐड कर ली है और 1 प्याज को स्लाइस करके इसमें ऐड कर लिया है। सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल देना है और प्याज को ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम सौटे कर लेंगे। इसमें हम अभी काजू ऐड कर लेंगे। 10 से 12 काजू ले लिए मैंने, ब्रोकन काजू है ये। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे। 1/2 कप पानी ऐड कर लिया मैंने, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको उबाल आने तक पका लेंगे। इसको जैसे उबाल आ जाएगा हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। कड़े मसालों ने अपना काम कर लिया है तो हम इसको निकाल देंगे। इलायची को हम इसमें रहने देंगे क्योंकि इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको ठंडा करके हम इसको एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डालकर इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर लेंगे और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बटर। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हमने पेस्ट को ऐड कर लिया है। पेस्ट को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और इसमें से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हमें इसको पका कर ले लेना है। ये मसाला पकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका ग्रेवी ठीक से नहीं बनेगा। इसमें से तेल अलग हो चुका है और ये बहुत ही ड्राई हो चुका है। अभी इस पॉइंट पे हम इसमें मैरिनेटेड चिकन को डाल देंगे। इसके मैरिनेट के साथ इसको ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिया है। अभी हम इसको उबाल आने तक पका लेंगे और इसको ढककर चिकन के गलने तक हम इसको पका लेंगे। इसके लिए हमने 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। अभी हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें इलायची पाउडर, चीनी और क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। इसमें इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया के डंठल, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ये बॉईल हो रहा है। अभी हम इसमें लास्ट फाइनल गार्निश कर लेंगे क्रीम का। यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर लेना है। इसको डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्रीम डालने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर। बाय बाय।